हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने वाटर के बारे में डिस्कशन किया था, 16th चैप्टर। टुडे आई एक्सप्लेन नेक्स्ट पोर्शन इन 16th चैप्टर, वाटर। लास्ट वीडियो में हमने वाटर टेबल के बारे में देखा था कि किसे एक्वीफायर कहते हैं, तो जो ग्राउंड फ्लोर यानी कि थोड़े बहुत रॉक्स होते हैं उसके बाद जो पानी मिलता है उसे एक्वीफायर कहते हैं, और ग्राउंड वाटर यानी कि जो ग्राउंड में मिलता है वो वाटर। और यहाँ पे स्ट्रीम और लेक जो होते हैं, हैंडपम्प के थ्रू हमें पानी मिलता है, और जैसे ही रेन के थ्रू पानी आता है और पूरा जो ग्राउंड वाटर जहाँ पे पानी ख़त्म हो गया होता है वो फिर से रिचार्ज हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, बैटरी लो हो जाती है तो हमारे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो हमें फिर से रिचार्ज करना पड़ता है ना, तो ऐसे ही जो पानी होता है ग्राउंड के अंदर वो ख़त्म हो जाता है तो उसे फिर से रिचार्ज कौन करता है? रेन करते हैं उसे। ऐसे ही नेक्स्ट है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल जो होता है उसे डिप्लेशन यानी कि इफ़ेक्ट कौन करता है, हार्मफुल कौन होता है? वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर के थ्रू वो रिचार्ज होता है। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग वी ड्रो मच मोर वाटर इज इन रिप्लेन्सड बाय नेचुरल प्रोसेसिस। और जो वाटर टेबल होता है वो ऐसे ही इफेक्ट नहीं होता है, बट थोड़ी बहुत नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी होता है। वाटर टेबल मे गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशियंटली रिप्लेन्स्ड। और वाटर टेबल जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डाउन होता जाता है अगर उसे सफिशियंट वाटर जो ग्राउंड के अंदर होना चाहिए वो नहीं मिलता है। दिस में रेन के थ्रू दिस में हैपन ड्यू टू मैनी रीजन्स। उसके लिए कितने सारे ऐसे रीजन्स हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी का यूज़ भी बढ़ेगा, और यूज़ बढ़ेगा तो पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसे ही इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा पानी यूज़ होगा, एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर भी अगर ज़्यादा पानी यूज़ होगा तो ये सारे ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो वाटर टेबल को अफेक्ट करते हैं। स्कैंटी वाटर रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लेट द वाटर टेबल। और एक रेनफॉल है जो अगर रेनफॉल कम हुई तो भी वाटर टेबल को इफेक्ट होती है। येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water। और deforestation होता है तो deforestation अगर कम होगा और seepage area यानी कि जो गंदा पानी है वैसा ऐसा area कम होगा तो पानी जो water table है उसे कोई भी effect नहीं होगा। उसके सम यहाँ पे reasons है तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत discussion करेंगे। सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड्स फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिस, रोड्स एंड पेवमेंट्स। दिस डिक्रीजेज द ओपन एरिया लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। ये सारा ऐसे हैं जो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा हाउस चाहिए, शॉप्स चाहिए काम करने के लिए, ऑफिस चाहिए, रोड चाहिए, और इन सब के लिए क्या होगा, पानी ज़्यादा यूज़ होगा। और ऐसे ही ओपन एरिया, पार्क, प्लेग्राउंड, इन सब के लिए भी ये सब एरिया है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो उसकी वजह से जो पानी होता है वो रिस्टोर नहीं होगा और पानी रेन आती है वो भी कम हो जाएगी। दिस इज टर्न डिक्रीजिंग द सीपेज ऑफ रेनफॉल वाटर इनटू द ग्राउंड। और इसकी वजह से रेन वाटर होगा वो सीपेज यानी कि सीक होना, ग्राउंड के अंदर जाना कम हो जाएगा। रिकॉल दैट अ पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन ईजिली। जो पक्के फ्लोर्स होते हैं वहाँ पर पानी चूसना यानी कि उसके अंदर सूखना पानी इजीली नहीं होता है। वाली इन ग्रास लॉन्स वाटर सीप्स थ्रू इन नो टाइम। और ऐसे ही हम देखते हैं तो ग्रास लॉन्स जहाँ पे होती है वहाँ पे पानी इजीली क्या हो जाता है, सीप हो जाता है, बट जहाँ पे पक्के फ्लोर होते हैं वहाँ पे पानी को सीपेज करने के लिए टाइम लगता है। उसकी वजह से भी ग्राउंड के अंदर पानी कम सीपेज होता है और वाटर टेबल को अफेक्ट होता है। Moreover, a huge amount of water is required for construction work, और construction work के लिए भी ज़्यादा पानी चाहिए। Often ground water is used for this purpose, और इसके लिए भी ground water use होता है। So on the one hand we are consuming more ground water, and no on the other we are allowing lesser water to seep into the ground। और इसकी वजह से हम एक साइड ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर वाला, और दूसरी साइड क्या कर रहे हैं, हम ग्राउंड के अंदर सीपेज नहीं होने दे रहे हैं पानी को ज़्यादा। These
result in depletion of water table. In fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarmingly low levels. और इसकी वजह से जो water table है वो depletion होता है और इसकी वजह से effect होती है water table के अंदर. और second है increasing industries. Industries बढ़ेगी तो पानी का usage भी बढ़ेगा और uses बढ़ेंगे तो water table को effect होगा. तो यही यहाँ पे दिया है कि water is used by all the industries. वो use करते हैं सारी industries. Almost everything that we use needs water somewhere in its production processes. इन सब के लिए production process के लिए पानी तो almost use होता ही सब जगह में सब things में. The numbers of industries is increasing continuously. और जो numbers of कितने सारी industry continuously increase हो रही है. Water used by most of the industries is drawn from the ground. और industries जो होती हैं वो ज़्यादातर पानी क्या कौन सा यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं. ऐसे ही यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी हुई है जो आपको फेमिलियर उसका लिस्ट बनाना है और उसके अंदर क्या प्रोडक्ट होती है कितना पानी यूज़ होता है वो आपको यहाँ पर लिस्ट आउट करना है. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर अ मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड्स अपन रेन फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स. मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर वो उसकी मेजोरिटी ये है कि वो रेन के ऊपर इरीगेशन करते हैं क्रॉप का. इरीगेशन सिस्टम्स सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस. और इरीगेशन सिस्टम में वो थोड़ी कोई कैनल है वो फ्यू प्लेसेस पे ही अवेलेबल है. इवन दिस सिस्टम में सफर फ्रॉम लेक और वाटर ड्यू टू एरेटिक रेनफॉल. और ये भी जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं से तो पानी जाता है लेक वाटर से ही जाता होगा लेक रिवर. वहाँ पे भी सिपेज क्या हो जाता है पानी का यूज़ बढ़ता है तो लो हो जाता है और इससे वाटर टेबल को इफेक्ट होता है. Therefore, farmers have to use ग्राउंड वाटर फॉर irrigation. इसकी वजह से जो वाटर फार्मर्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं यानी कि ग्राउंड में से पानी निकाल से जैसे कि हम बोर बना रहे हैं. Population pressures on agriculture forces increase use for ग्राउंड वाटर डे बाई डे. दिस रिजल्ट इन depletion of water. इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी ज़्यादा यूज़ होगा और ऐसे वाटर टेबल को अफेक्ट होगा. तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो वाटर टेबल को अफेक्ट करते हैं. और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. वाटर कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. और डिस्ट्रीब्यूशन जो वाटर का होना चाहिए वो ग्लोब की वजह से और कोई ना कोई अनइवन कारणों की वजह से क्या हो जाता है उसके फैक्टर्स अनइवन हो जाते हैं. सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच. सम प्लेसेस पे ज़्यादा रेन होता है तो वहाँ पे पानी ज़्यादा मिलता है. ऑन द अदर हैंड देर आर डेजर्ट विच हैव स्कैंटी रेनफॉल. और जैसे डेजर्ट जैसे एरिया पे रेनफॉल कम होती है तो वहाँ पे पानी कम होता है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. इंडिया बहुत बड़ी लार्ज कंट्री है और वहाँ यहाँ पे पॉपुलेशन विशाल कंट्री है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और हर जगह पे रेनफॉल तो सेम नहीं है. सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन वाइल सम अदर हैव वेरी लिटल रेनफॉल. सम रीजन पे ज़्यादा रेनफॉल होती है तो सम ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे कम रेनफॉल होती है थोड़ी बहुत होती है. एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन रिजल्ट इन ड्राफ्ट. और कहीं पे फ्लड आ जाता है तो कहीं पे दुष्काल जैसा होता है ड्राफ्ट आता है. देयरफॉर सम रीजंस इन रीजंस इन आवर कंट्री मे हैव फ्लड व्हाइल अदर मे सफर फ्रॉम ड्राफ्ट एट द सेम टाइम. हमारे कंट्री के अंदर सम रीजन्स के अंदर कहीं पे फ्लड आता है उससे सफ़र करते हैं लोग तो कहीं पे ड्रफ्ट की वजह से लोग सफ़र करते हैं. कहीं पे ज़्यादा पानी की वजह से मरते हैं सफ़र करते हैं तो कहीं पे कम पानी की वजह से. वैसे ही यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है जो आपको मैप में देखना है वो आप देख सकते हो आप रीड करके भी कर सकते हो. उसके बाद आता है वाटर मैनेजमेंट जो हमने सिक्स स्टैंडर्ड में के सम ऐसे प्लेसेस पे देखा था कि जहाँ पे वाटर सप्लाई होता है पानी के पाइप के नेटवर्क के थ्रू. ऐसे आपको यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जहाँ पे आपको मैप ऐसे एरिया यानी कि यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है जहाँ पे ऐसा कलर है वहाँ पे क्या होगा अब वो 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगा. और कहीं पे जैसे इंडिकेट किए हुए हैं कलर वाइज होगा जहाँ पे ऐसा होगा वहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होता होगा. जैसे कि कौन है यहाँ पे कच्छ है
सॉरी वो सब किस में आते हैं, कम कम रेनफॉल में आते हैं। ये आपको पूरा मैप पे वो एक बार अच्छी तरह से केयरफुली रीड कर लेना है, देख लेना है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। ओके सो नेक्स्ट पोर्शन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।